Hey guys, what's up everyone, welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy Hai. Dosto, aaj ke session mein hum chapter number 9 Industry and Infrastructure by Ramesh Singh ko karne ke liye ja rahe hain. Jaisa ki aap jante hain, hamari pichli do classes ke andar humne ye teen topic nipta liye the. Aaj ki class mein main aapko disinvestment karane ke liye aa raha hu ki aakhir disinvestment kya hoti hai aur government ki isko zarurat kyun padi. दोस्तों, जब से ये लॉकडाउन लगा ना 2020 से, तब से जो इसका प्रचलन है ना वो और भी ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया. आपने सुना होगा LIC को गवर्नमेंट बेच रही है, धीरे-धीरे करके गवर्नमेंट सब कुछ बेच देगी. आपने ये वर्ड सक्सेस सुने होंगे. आज आप उसके पीछे की वजह जानोगे कि आखिर इन वर्ड्स को यूज क्यों किया जाता है और रियलिटी में इसका मतलब क्या होता है. मतलब कॉमन मैन कुछ और सोचता है और रियलिटी कुछ और होती है. तो आज मैं आपको उसी रियलिटी से अवगत कराने के लिए आ रहा हूं और टॉपिक का नाम है डिसइन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, इस बुक से मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ाऊंगा, जिससे चीजें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, हमारे लिए सिंपलीफाई हो जाएंगी. तो चलिए, ये रहे आपके नोट्स. एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर आपको ये हमारे नोट्स पसंद आते हैं और आप इनको प्रिंट आउट निकालना चाहते हो और लिखने वाला टाइम अगर आप बचाना चाहते हो, तो ऐसे केस में मैंने ये सारी की सारी चीजें अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है. आप टेलीग्राम चैनल पर जब आप जाओगे तो वहां पर आपको ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे और सारे टेलीग्राम चैनल के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं. ठीक है, चलो. तो ये हमारा डिसइन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक. अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट वाला जो टॉपिक है, थोड़ा सा इसको पहले समझेंगे चीजों को कि आखिर डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ताकि चीजें हमारे लिए ज्यादा क्लियर हो जाए. ठीक है, तो सुनो, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब कोई गवर्नमेंट सेक्टर अपनी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दे, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है, सुनो, एक और बात, पहले एक बात सुनो कि जो गवर्नमेंट होती है, तो क्या था ना, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमने उसके पीछे वही वजह जानने की कोशिश की, तो दो वजह निकली मोटी मोटी. क्या? कि हमारी इकॉनमी ओपन इकॉनमी थी, बाहर की कंपनी इंडिया में आई और उसने हम पर रूल करना शुरू कर दिया. इसलिए अब गवर्नमेंट ने सोचा आजादी के बाद कि भाई ऐसा है कि अब हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्रीज हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे, ताकि चीजों को हम सुधार सके और अपने नियंत्रण में रखेंगे तो चीजें सुधरी रहेंगी. आपने लास्ट टू लास्ट क्लास में देखा ही था कि हमने पढ़ी थी कि इतने सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स वगैरह किए गए थे, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आया था कि अब जो गवर्नमेंट है वो अपनी स्टेक होल्डिंग बढ़ाने की कोशिश कर रही है PSUs के थ्रू. तो अगर कोई गवर्नमेंट अपनी फर्म को खोलती है तो वो किस तरीके से खोलेगी, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. अगर मैं PSE बोलूं या PSE बोलूं तो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, समझ जाना कि गवर्नमेंट का इसमें क्या है, मेजर कंट्रोल है. ठीक है, अगर मैं आपसे एक डेटा की बात करूं, ठीक है, करंट अफेयर की बात करूं, तो देखो 1991 के अंदर 2,40,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे गवर्नमेंट ने 244 फर्म्स को बनाने के लिए. मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जब हमारे देश में LPG का कॉन्सेप्ट आया था उस टाइम पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने 244 फर्म्स खोली. ठीक है, जो कि क्या थी, पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल थी, यानी PSUs थी, और उन पर कितना पैसा खर्च किया था, 2,40,000 करोड़ रुपए का 1991 के अंदर. अभी 2019 का जो डेटा है उसके हिसाब से अगर हम देखें, आपको कि सर आपने 2021 का डेटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो 2019 के बाद से चीजें बदलनी शुरू होगी, तो मैंने इसीलिए लास्ट 2019 का लिया. तो 2019 में 16,41,000 रुपीज खर्च किए गए और कितनी PSUs खोली, 348 फर्म्स खोली. 348 फर्म्स उन्होंने क्या की, ओपन की. यानी आप देख रहे हो जो हमारे पास गवर्नमेंट की स्टेक होल्डिंग है वो कितने करोड़ रुपयों से बढ़ती ही जा रही है. ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर गवर्नमेंट PSUs क्यों खोलती है. अब हमें पता चल गया क्योंकि आपने बताया अंग्रेजों ने शासन किया था. नहीं दोस्तों, ये तो कॉमन लेमेन लैंग्वेज है, बट एक बींग अ प्रोफेशनल, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स से प्रोफेशनल हो तो आपको जो चीज़ें हैं वो जड़ से पता होनी चाहिए. तो मैं आपको बताता हूँ कि आज की डेट में जो इंडिया में जितनी भी PSUs हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम झेल रही हैं. ठीक है, ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि जो डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है ये क्यों इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, सुनो, देखो PSUs का मतलब आप समझिए, जहाँ पर पूरा कंट्रोल किसके हाथों में होता है, गवर्नमेंट के हाथों में होता है. अब सोच के देखो कि गवर्नमेंट के हाथों में होगा, क्या टेक्नोलॉजी नई नई आ पाएंगी, क्योंकि देखो इन चीजों में प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे है, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजों को, तौर तरीकों को सीखने के लिए. आज भी अगर आप SBI बैंक में जाओगे, आज भी अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे, सरकारी दफ्तर में जाओगे, तो वही पुराने, जैसे आप पुरानी मूवीज में देखते हो ना, दफ्तर जिस टाइप के होते हैं, बड़ी बड़ी फाइलें रखी होंगी, ढेर लगा हुआ जिसपे धूल जमी होगी, पुराने डेस्क और चेयर्स होंगे जो बहुत पुराने जमाने में दिखती होंगी, इस टाइप का पूरा आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा. क्या वो अपने आप को
बदलते मौसम के अनुसार बदलते हैं? द आंसर इज नो. पता नहीं क्यों नहीं बदलते, इतने ज्यादा लेजी क्यों था मुझे भी नहीं समझ आया. तो सबसे पहली चीज है कि हमें पीएसयूज को प्राइवेटाइज करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन था कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस नहीं थी, मैनेजरियल स्किल्स नहीं थी कि किस तरह से हमसे एम्प्लॉय को काम करवाना है. आप देख ही लो एसबीआई के अंदर, आप काम करवा के दिखवा लो उन लोगों से, कोई मैनेजरियल स्किल्स नहीं है. यही सेम चीज अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जाएं तो आपको बहुत कुछ चीजें देखने को मिलेगी, कितना अच्छा मैनेजमेंट है वहां का, कितने अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव है, चीजों को प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखते हैं. लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा बिल्कुल नहीं होता. लैक ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उनको यही नहीं पता होता कि मार्केट में चल क्या रहा है और हमें उसके मुताबिक कैसे अपनी रणनीतियां बदलनी है. मतलब कह रहे हैं ना कि 20 साल पुराने जमाने वाली अप्रोच आज भी चला रहे हैं, कुछ इस टाइप की पाई जाती है. इसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं. देखो एक बात सोच के देखो, जो पीएसयूज में एम्प्लॉय काम करे वो तो भैया सैलरी लेंगे ना, चाहे वो काम करे ना करे, मतलब बैठने की तनखा. तो जब आउटपुट निकल नहीं रहा, सैलरी दिए जा रहे हो, फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ती जा रही, तो अल्टीमेटली क्या होगा, गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. अच्छा, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं वो ज्यादा हो जाते हैं और गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम हो जाती है, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट. पांचवा है पुअर परफॉर्मेंस. अब आप जानते हो जितने पीएसयूज या पीएसई हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, उनकी परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा उमदा क्वालिटी की, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. तो इन सभी रीजंस की वजह से हमने एक चीज़ नोटिस की कि जो पीएसयूज है ना वो वाइट एलिफेंट की तरह बन के रह गए हैं. वाइट एलिफेंट मतलब सफ़ेद हाथी, कि मतलब दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है लेकिन उनका अस्तित्व होना ना होना एक बराबर है. उनसे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा बल्कि हमें अपनी तरफ से पैसा लगाना पड़ रहा है, इसको बोलते हैं वाइट एलिफेंट कॉन्सेप्ट. तो पीएसयूज और पीएसई जो है उन दोनों पर क्या हो गई थी, वाइट एलिफेंट की तरह बन गई थी. तो हमने सोचा कि एक बात करते हैं कि अगर मान लो हमारे पास मैनेजरियल स्किल अच्छी नहीं है और अगर यही मैनेजरियल स्किल हमें किसी प्राइवेट सेक्टर में नजर आती है तो क्यों ना हम उसको ऑफर करें कि आप हमारे पीएसयूज में पैसा इन्वेस्ट करो. देखो बात तो बिल्कुल सही गवर्नमेंट ने सोची. गवर्नमेंट ने देखा कि मान लो अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर में पीछे हैं, हमारे पास उतनी स्किल्स नहीं है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की, तो जिन प्राइवेट लीडर्स के पास ये अप्रोच है उनको बोलते हैं आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो. यानी जब गवर्नमेंट कंपनी, ध्यान से सुनो, जब पीएसयूज या गवर्नमेंट कंपनी अपनी स्टेक होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे देती है ड्यू टू दीज रीजन उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. उसी को क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं. ठीक है, अच्छा जनरली मैं डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड या इस बुक के अंदर जो डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड है वो यूज किया गया पीएसयूज के लिए. ठीक है, वैसे डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जनरल लैंग्वेज में क्या होता है कि कोई भी बंदा जिसने चीज खरीदी अगर वो उसे बेचने आ रहा है, मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी भी खरीदी तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं कल को प्रॉपर्टी बेच दूं तो वो मेरी डिसइन्वेस्टमेंट है. लेकिन इस बुक में जो कॉन्टेक्स्ट है, जो जिस बात पे चीजें बोली गई उसका मतलब डिसइन्वेस्टमेंट का ही है कि एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर एक ऑनरशिप खो दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा और वो किसके हाथों में चली जाती है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली जाती है. कहाँ से, गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों से. पीएसयूज वाइट एलिफेंट बन के रही थी और ये कॉन्सेप्ट हमारा डिसइन्वेस्टमेंट का. क्लियर हुआ? अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर आप मेरी बातों को ध्यान से सुना, डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं. डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर आपके पास तीन चीजें निकल कर आएंगी. वो क्या कि आखिर इसके पीछे करने का रीजन क्या था, अ टूल फॉर पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म. अगर हमें पब्लिक सेक्टर के अंदर मेजर चेंजेस लेकर आने हैं तो डिसइन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस, अगर हम इकोनॉमी के अंदर मेजर रिफॉर्म्स करके इकोनॉमी को पटरी पर लाना चाहते हैं तो ऐसे केस में डिसइन्वेस्टमेंट करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा. तीसरा, एज अ टूल ऑफ रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन फॉर बजटरी कंट्रोल. अगर हमने अपने बजट को जो फिस्कल डेफिसिट है अगर उसको सरप्लस में लेकर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. मतलब मैंने आपको मोटा मोटी बता दिए कि डिसइन्वेस्टमेंट करने के पीछे ये वाले सारे रीजंस थे. बोलो क्लियर हुआ? तो अभी तक जो आपने पढ़ा उससे आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट दो टाइप की कंपनीज लेकर आती है, एक तो पीएसयूज और पीएसई. अगर हम देखें 1991 के डेटा के हिसाब से 2,40,000 करोड़ रुपए 244 फर्म्स के ऊपर इन्वेस्ट किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा और 16,41,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे 348 फर्म्स को बनाने में सन 2019 में. आप देख सकते हो कितना बड़ा बोलबाला जो है वो पीएसयूज का रहा होगा. लेकिन पीएसयूज और पीएसई जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस कर रही थी. क्या उनके पास टेक्नोलॉजीज नहीं थी, मैनेजमेंट स्किल नहीं था, मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं थी, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे थे और फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ गया था, जो परफॉर्मेंस है वो हमारी बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी, मतलब काम ढंग से नहीं होता था. तो इन सभी रीजंस के चलते आप क्या पड़ा, गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी कि जिन जिन सेक्टर्स के पास ये सारी चीज़ें हैं हम उनको ये चीज़ क्या कर दें, सोल्ड ऑफ कर दें, मतलब उनको बेच दें. और इसी को बोला गया डिसइन्वेस्टमेंट. बोलो क्लियर हुआ? और इसके पीछे क्या रीज़न थे डिसइन्वेस्टमेंट करने के पीछे, ताकि पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म आ पाए, इकॉनमी के अंदर रिफॉर्म प्रोसेस को बढ़ाया जा सके और रिसोर्सेज का सही तरीके से मोबिलाइजेशन किया जा सके ताकि बजट जो है हमारा वो सरप्लस बजट में
में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर हुआ? चलो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट को कौन संभालता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि डिसइन्वेस्टमेंट को कौन सी मिनिस्ट्री संभालती है तो आपका आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूँ डिसइन्वेस्टमेंट को संभालने वाली डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। अच्छा जैसे आप जानते हो ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम होता है कि किन किन जगहों से पैसा कलेक्ट किया जा सके ताकि गवर्नमेंट खर्चे कर पाए, और गवर्नमेंट जो खर्चे करेगी किन किन जगहों पर खर्चे करेगी उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ही अंदर एक डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो जो भी पैसा डिसइन्वेस्टमेंट का होता है, जो भी पॉलिसीज फ्रेम करनी होती है, वो किसके द्वारा की जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी कमेटी है जिसने इस बात को और ज्यादा जो है गहराई में लिया, तो मैं आपको बता दूं सी रंगाराजन कमीशन जो थी, इस कमेटी ने बेसिकली 1991 के अंदर ये अप्रोच रखी कि अब गवर्नमेंट को जरूरत है अपने सेक्टर्स यानी अपनी यूनिट्स को बेचने की, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर अपनी जो स्किल है, अपना जो एक्सपर्टाइज है, उसका फायदा उठा के पीएसयू को प्रॉफिट मेकिंग बना सके। तो ये कौन सी कमेटी, कमेटी का नाम याद कर लो, सी रंगाराजन कमीशन कमेटी। ठीक है, इसके बाद क्या है कि डिसइन्वेस्टमेंट के कितने टाइप होते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये दो टाइप के होते हैं, टोकन डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा टोकन डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट की पीएसयूज हैं, गवर्नमेंट अपनी पीएसयूज में से 49% से कम की स्टेक बेचना चाह रहा है। मैं रिपीट कर दूं, 100% में से गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिर्फ 49% पार्ट, 49% स्टेक होल्डिंग ही बेच रही है मार्केट में प्राइवेट सेक्टर्स को। इसका मतलब आप समझ गए हो कि जो मेजॉरिटी होल्डिंग है गवर्नमेंट अपने पास रखना चाहती है 51%, हाँ रेस्ट 49% वो प्राइवेटाइज करना चाहती है। ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट को बोलते हैं टोकन डिसइन्वेस्टमेंट। आई बात समझे? और टोकन डिसइन्वेस्टमेंट को ही क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी स्टेक सेल। क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी स्टेक सेल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपने शेयर्स को क्या कर देते हो, बेच देते हो, मतलब गवर्नमेंट जो अपने शेयर को बेच देती है, लेकिन कितना, 49%। ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर देखो इन्होंने बोल तो दिया 49%, लेकिन एक्चुअली में ही पता है कितना बेचते थे, सिर्फ 5-10%। मतलब गवर्नमेंट जो है 90% होल्डिंग अपने पास रखती थी, और कहने का ये था कि 49% तक बेच सकती है। आप जानते हो ना गवर्नमेंट किताबों मतलब पेपर में कुछ और रियलिटी में कुछ और होती है, आप ऐसे समझो। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और एक नॉन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आप अपने पास 51% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर को बेच दो। आप कह सकते हो जैसे यहाँ पर ये माइनॉरिटी था ना, अगर हम मेजोरिटी शेयर्स को बेच दें प्राइवेट सेक्टर को, तो वो क्या कहलाती है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब पूरी रणनीति थी गवर्नमेंट की कि वो अपनी होल्डिंग पूरी तरीके से छोड़ना चाहती है, समझो। यानी अगर गवर्नमेंट अपनी किसी भी पीएसयूज को प्राइवेटाइज कर दे और मोर देन 51% पार्ट वो अपना क्या कर दे, बेच दे प्राइवेट सेक्टर को, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद आता है नॉन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ 26% और उससे कम, मतलब मैक्स टू मैक्स गवर्नमेंट 26% बेचेगी, मतलब 74% वो अपने पास रखेगी। इसको बोलते हैं नॉन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ? अच्छा बेसिकली आपको तीन चीजें याद करनी है। टोकन डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर आप अपनी स्टेक होल्डिंग 49% तक बेचते हो। स्ट्रेटेजिक क्या होती है, जहां पे 51% से ज्यादा शेयर को क्या देते हो, बेच देते हो प्राइवेट सेक्टर को। और नॉन स्ट्रेटेजिक क्या होती है, जब आपने 26% से ज्यादा नहीं बेच सकते बल्कि उससे कम बेच सकते हो प्राइवेट सेक्टर को, इसको बोलते हैं नॉन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके पीछे की क्या आइडियोलॉजी है, आखिर एक बात सोचो, आपके मन में क्वेश्चन आया नहीं आया कि आखिर हम जो बेच रहे हैं, हमें समझ आ गया हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास स्किल्स नहीं है, हमारे पास मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, बट एक बात बताओ, आखिर हम इसको बेच के जब प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो जो बेचा हुआ पैसा है फिर हम उसको करेंगे क्या? भाई जब हम अपनी स्टेक होल्डिंग बेचेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में पैसा देगा, मतलब गवर्नमेंट को पैसा देगा, तो गवर्नमेंट उस पैसे का क्या करेगी, अपनी जेब में डालेगी? ना जी, ना 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 ना, सुनो ध्यान से, वो क्या होगा, इससे जो देश की संपत्ति है, जो नेशनल इनकम है, वो बढ़ेगी। नंबर टू कि कल को जैसे आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, आप लोगों ने 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसकी भी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको जरूर देख लेना। उसके अंदर आपका जो सेकंड लास्ट चैप्टर है गवर्नमेंट बजट, उसके अंदर मैंने बताया था तीन चार टाइप के होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। आप में से जिसको भी पता हो ना चारों डेफिनेशन, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेशन लिखना। वो याद है एसेट्स लाइबिलिटी क्रिएट नॉट क्रिएट, कुछ ऐसे करके होता था, मैंने बस हिंट दे दी, जो मेरे अच्छे बच्चे हैं क्लास 12 से मुझसे पढ़ते आ रहे हैं वो अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एक बात बताओ कि अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो जो पैसा है वो रिसीट है एक्सपेंडिचर है, सर वो रिसीट है, पैसा आ रहा है। अब ये बताओ ये कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है? देखो रेवेन्यू रिसीट में गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं होती थी, और कैपिटल रिसीट में गवर्नमेंट की लायबिलिटी होती है कि वो फ्यूचर में उसके लिए काम करे। तो एक बात बताओ, जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की, टोकन डिसइन्वेस्टमेंट की या नॉन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की, तो इनसे जो भी पैसा रेज होगा, इनसे जो भी पैसा रेज होगा गवर्नमेंट की लायबिलिटी है उस पैसे से फ्यूचर में
फ्यूचर में उनके लिए ऑब्लिगेशन है कि वो उस पैसे का यूटिलाइज पब्लिक वेलफेयर पर ही करें। यानी ये जो रिसीट है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि लायबिलिटी है तो ये बन गया कैपिटल रिसीट। तो भाई सेकंड पॉइंट लिखा है यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिसीट इन प्रॉपर वे। जो आपको कैपिटल रिसीट मिली है इसका आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। नंबर थ्री, गवर्नमेंट होल्ड द मैक्सिमम शेयर इन नॉन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। अभी मैंने आपको बताया था नॉन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, सिर्फ 26% बेचे, यानी 74% गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो मेजोरिटी अभी भी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट होल्ड द माइनॉरिटी स्टेक इन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। माइनॉरिटी याद है ना, जब 51% आप प्राइवेट सेक्टर को बेच दोगे तो गवर्नमेंट के पास कितना रहेगा? 49%। तो यहां पर क्या हो गया, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के पास क्या है? माइनॉरिटी स्टॉक होल्डिंग है। क्लियर हुआ? तो इन्वेस्टमेंट के तीनों टाइप क्लियर हो गए, वैसे तो दो हैं, फिर उसके अंदर एक पार्ट है। क्लियर हुआ? चलो इसके बाद बात करते हैं, अगर हम करंट पॉलिसीज की बात करें कि आज की डेट में जैसे जो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर चीजें हैं वो किस तरीके से हैं, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी जैसे नई PSUs है जब वो ओपन होती है तो ऐसा नहीं कि आज ओपन हुई और हम अगले साल इसको क्या कर दें, प्राइवेटाइज कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहले 3 साल हम उसको काम करने का मौका देते हैं और देखते हैं उसने 3 साल में कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। इसके बाद अगर हमें लगता है कि नहीं इसमें कुछ लॉसेस हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पहले ही दिन बेच देंगे, नहीं नहीं नहीं, लॉस हो रहा है तो एक काम करो, अगर लॉस की रिकवरी के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो आप मार्केट में अपना IPO निकालो, इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालो, और वहां से अपनी कैपिटल को रेज करो, और जो भी पैसा है आप उससे अपनी मशीनरी या जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनमें अपना इन्वेस्टमेंट करो। तीसरा, अगर मान लो आपको लगता है इन सबसे भी काम नहीं चला तो आप क्या करो, इसका डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने बस सोचा और हो गया, नहीं, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, दीपम को बोलना पड़ेगा, सर दीपम ये कौन आ गया? बेटा नाम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दीपम नाम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट। दीपम एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बताएगा कि भाई किन किन PSUs के अंदर 3 सालों से लॉस आ रहा है, IPO से भी कोई पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा, तो अब ज़रूरत है कि इसको हम क्या करें, प्राइवेटाइज करें। तो दीपम क्या करेगा, रिकमेंड करेगा गवर्नमेंट को कि भाई ऐसा है कि हम ये चाहते हैं ये पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट की कंपनी है इसको क्या किया जाए, डिसइन्वेस्ट कर दिया जाए, यानी पब्लिक सेक्टर को बेच दिया जाए। फिर ये रिपोर्ट बना के बताएगा कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो दीपम रिपोर्ट बनाएगा ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास जाएंगी, डिपार्टमेंट्स के पास जाएंगी, नीति आयोग के पास जाएंगी, फिर वहां से फाइनल कंक्लूजन डिसीजन दिया जाएगा कि हाँ हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। उसके बाद ही इसका क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अप्रैल 2020 की, तो हमारे पास 57 PSUs लिस्टेड थी टोटल मार्केट के अंदर, और उनसे जो हमने पैसा रेज किया वो है 13 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। न्यू प्रपोजल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज ओवर 24 PSUs वर अंडर डिसइन्वेस्टमेंट मोस्टली अंडर स्ट्रेटेजिक रूट। आजकल जब से COVID-19 चल रहा है तब से गवर्नमेंट तो बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर दिए। गवर्नमेंट ने कहा भैया देखो ऐसा है कि हम वैक्सीन या लोगों पर ध्यान दें या फिर अपनी कंपनियों के मैनेजमेंट स्किल या टेक्नोलॉजी पर ध्यान दें। तो भैया अब हमारे बस की बात रही नहीं है, बस की तो पहले भी नहीं थी लेकिन अब तो इन्होंने बिल्कुल हथियार डाल दिए। तो अब इन्होंने बोला, आपने सुना होगा ना LIC को बेच दिया, तो अभी ये क्या कर रहे हैं, जितने PSUs हैं उनमें से जो 24 PSUs हैं अभी एट प्रेजेंट, जैसे हमारे पास जितने भी PSUs हैं उनमें से जो 24 PSUs हैं उनको गवर्नमेंट ने ऑक्शन पे डाल दिया। ऑक्शन नहीं बोलना चाहिए बट मैं आपके समझाने के बोल रहा हूँ कि उनके लिए एक ऑफर निकाला है कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में पैसा लगाना चाहती है तो वो बिल्कुल लगा सकती है। बोले तो कि क्या करना चाह रही है, वो डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, और खासतौर पर इसमें प्राइवेट सेक्टर को बोला गया कि आप 51% से ज़्यादा शेयर खरीद सकते हो। यानी यहाँ पर जो है उनमें से मेजोरिटी जो है वो क्या कर रही है, स्ट्रेटेजिक रूट से ही इसमें पैसा इन्वेस्ट करी। बोले तो 51% से ज्यादा पैसा इसमें लगाया जा रहा है, ठीक है। यूनियन बजट जो हमारा 2020-21 के अंदर आया था उसके अंदर आया था कि LIC जो है वो अपनी माइनॉरिटी, यहाँ पर अब मैं आपसे बात करता हूँ जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, लोग कह रहे हैं कि LIC बेच दी। नहीं दोस्तों, आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं बोलोगे, LIC बेची नहीं है बल्कि उसका माइनॉरिटी का मतलब जानते क्या होता है, अप टू 26%, ठीक है। 26% पार्ट को क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया। उसके पीछे रीजन ये है ताकि उनका जो मैनेजमेंट है, उनकी जो स्किल्स है, वो सारा हम इस्तेमाल करके अपनी LIC को और ज़्यादा आगे बढ़ा पाएं। देखो मेजोरिटी होल्डिंग अभी भी गवर्नमेंट के ही पास है, माइनॉरिटी होल्डिंग क्या कर दी, सेल ऑफ कर दी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि इससे चीजें सुधरेंगी जो चीज गवर्नमेंट नहीं कर पा रही थी। तो अगर आपके घर में आस पड़ोस में कोई ये बोलता है गवर्नमेंट ने LIC बेच दी अब गवर्नमेंट देश बेच देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट ऐसी पागल नहीं है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं ये नहीं बोल रहा बेसिकली BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई भी होगी तो इस तरीके से चीजें नहीं करेगी, वो भी सोच समझ के प्लान बनाती है। भाई साहब उनके पास भी पूरी टीम होती है, वो बात अलग है, कुछ प्लान चौपट हो जाते हैं, कुछ प्लान जो है आपको आबाद कर देते हैं, लेकिन कोई प्लान ये सोचकर नहीं बनाया जाता कि देश को बर्बाद करना, ये बात हमेशा
किया था ना, ठीक है। तो जो हमारा यूनियन बजट है जो साल में एक बार फरवरी के पहले दिन पेश किया जाता है, उसमें सन 2020-21 के अंदर ये बोला गया कि जो LIC है वो अपना IPO जारी करेगी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपने 26% माइनॉरिटी होल्डिंग को क्या करेगी, प्राइवेटाइज करेगी। क्लियर हुआ? चलो आई होप क्या यहाँ से आपको डिसइन्वेस्टमेंट की चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ पर एक बात आती है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एसेट्स की। क्या आती है? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एसेट्स की। अच्छा एक बात बताओ, जो ये दीपम है, क्या सर दीपम आज भी काम कर रहा है? नहीं दोस्तों, दीपम का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए टाइम के अनुसार। तो जो दीपम था हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, इसने क्या बोल दिया कि अब जो है ना जो डिसइन्वेस्टमेंट की जाएगी वो आपकी CPSE के द्वारा की जाएगी, ठीक है। और उनके द्वारा क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे कि देखो अगर हमें लगता है डिसइन्वेस्टमेंट करके हम अपने ऑप्टिमम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पा रहे हैं और इससे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी तो हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरा, लिवरेजिंग एसेट्स बाय कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अब जो पैसा हमारे पास आया है, ध्यान से सुना मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जो पैसा अब हमारे पास डिसइन्वेस्टमेंट करके आया है, हम बाकी PSUs के मशीनरी पर वो पैसा क्या करेंगे, खर्च करेंगे, जिससे कि बाकी PSUs अपने पास सही तरीके से काम कर पाए। और तीसरा, इम्प्रूविंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। और हम चाहते हैं कि जो बची PSUs हैं उनमें इतना पैसा हो जाए ताकि इन्वेस्टर हमारे PSUs में क्या करे, पैसा इन्वेस्ट करे, कैपिटल मार्केट में हमारा बोलबाला बढ़े। चौथा, रैशनलाइजिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब ये बताओ डिसइन्वेस्टमेंट करने के पीछे रीजन क्या था, ताकि जो पब्लिक सेक्टर के पास जो चीज़ नहीं है वो अगर प्राइवेट सेक्टर के पास है तो उसका इस्तेमाल करके हम इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पर एक बात उठती है कि सर एक बात बताओ, जो डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा होता है आखिर उसका करते क्या होंगे, कुछ तो करते होंगे ना, ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट जेब में डाल दे। अभी तो दोस्तों मैंने पीछे आपको बताया था, बट अब हम उसका डिटेल पढ़ रहे हैं। देखो उसके तीन फेजेस हैं। अगर मैं बात करूँ जो डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा है 1991 से लेकर 2000 तक क्या करते थे, जो भी हमारा फिस्कल डेफिसिट आता है, यानी जो हमारे पास खर्चे ज्यादा होते हैं, इनकम कम होते हैं, उस फिस्कल डेफिसिट की भरपाई के लिए हम जो डिसइन्वेस्टमेंट किए उस पैसे का क्या करते थे, इसमें यूटिलाइज करते थे ताकि उस गैप को ब्रिज किया जा सके। यानी जो आपके एक्सपेंडिचर है और जो आपकी इनकम है, ये जो दोनों में डिफरेंस है, इनके बीच के गैप को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। तो डिसइन्वेस्टमेंट के पैसे को हम यहां पर यूटिलाइज करते थे। ये था हमारा फेज वन। फेज टू है 2002 से 2003 में। इसमें बोला गया कि भाई जो पैसा हमारे पास आ रहा है हम उसको दोबारा से PSUs में लगाएंगे। लेट सपोज 5 PSUs हैं, उनमें से एक PSUs प्राइवेटाइज कर दी, तो प्राइवेटाइज करके जो पैसा आया वो एक प्राइवेटाइज किया है, बाकी नहीं किया, तो बाकी जो है उस एक पैसे से हम क्या करेंगे, चारों में वो इन्वेस्ट कर देंगे जिससे कि PSUs में री इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। दूसरा, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट्स। अगर हमने पब्लिक से कोई उधारी ले रखी है तो डिस इन्वेस्टमेंट करके जो पैसा आया है गवर्नमेंट उस उधारी का चुकता करेगी। तीसरा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी। जो डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसा है उसको एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, रोड में, ब्रिजेस में, डैम्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सब में ही क्या करेंगे, पैसा को खर्च करेंगे। और रिहैबिलिटेशन ऑफ लेबर फोर्स, अगर कहीं पर हमें लगता है लेबर फोर्स की कमी चल रही है तो उसको सही तरीके से सुधारने के लिए उस पैसे को क्या करेंगे, हम यूटिलाइज करेंगे। ये फेज थोड़ा छोटा था, मतलब 2000 से 2003 का था। जो हमारा थर्ड फेज है इसके अंदर क्या हुआ हमारे पास, सुनो ध्यान से। थर्ड फेज के अंदर हमने एक पॉलिसी चला, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। ये 2005 में स्टार्ट किया गया, ध्यान से सुना, NIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड 2005। बेसिकली इसको लाने के पीछे यही रीजन था, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं, अगर हम उन्हें पैसा दे दें, जैसे लेट सपोज कि हमारे पास 50 PSUs है, हमने 5 बेच दी, तो 5 बेचकर जो हमें पैसा मिला है उस पैसे को हम सही तरीके से कहां का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में होता है ना कि इकट्ठे पूल को एक जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, हाइब्रिड सिस्टम भी होता है, इक्विटी सिस्टम होता है, डेट सिस्टम होता है, ठीक उसी तरह NIF के अंदर बैठे प्रोफेशनल्स ये डिसाइड करते हैं कि जो पैसा डिसइन्वेस्टमेंट से आया है इसको अब हमें कहां कहां खर्च करना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो देखो अपने लेवल पे सोच लिया, अब थोड़ा हम प्रोफेशनल से भी पूछ रहे हैं। और इसके लिए क्या बनाएगी, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बनाएगा जनवरी 2005 के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो भी पैसा आएगा डिसइन्वेस्टमेंट करके वो किसको दे दिया जाएगा, NIF को दे दिया जाएगा, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। अब ये डिसाइड करेगा हमें आगे क्या करना है, ठीक है। ये कहता है कि जो हमारे पास कॉर्पस है, कॉर्पस मतलब जो भी हमारे पास फंड है, हम उसको परमानेंटली जो है अपने कस्टडी में रखें और अपने हिसाब से काम करेंगे। इसको कौन मैनेज करता है, प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। इसके अंदर कौन काम करने वाले होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। कहा गया कि अगर मान लो इन्वेस्टमेंट करके, डिसइन्वेस्टमेंट करके हमें 100% की फंडिंग हुई है, तो 100% में से 75% फंड तो देखो सोशल सेक्टर स्कीम में चला जाएगा, जिसके अंदर हम हेल्थ केयर फैसिलिटी को, एजुकेशन को, इन सबको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। और 25% पैसा जो है वो अपनी कैपिटल फंड रिक्वायरमेंट के अंदर रखेंगे, कैपिटल के अंदर। ऐसा थोड़ी सारा ही पैसा खर्च करें, थोड़ा तो हम बचा के रखेंगे, कल को अगर हैवी मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, हैवी प्रोजेक्ट पर पैसा
लगाना होगा तो कहां से आएगा। तो इस तरीके से हमारे यहां पर जो डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा है वो क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। क्लियर हुई बात। इसके बाद यहाँ पर एक बात आती है कि जो NIF है वो किस तरह से रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा एक बात बताओ, 2005 में NIF बनाई गई थी और अभी चलिए 2021-22, ये सोचकर बताओ कि क्या आज भी वही सेम पॉलिसीज हम अपना रहे होंगे। नहीं सर, आपने बोला था ना बदलते मौसम के अनुसार हमें बदलना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। तो हमने भी अपनी पॉलिसीज में क्या किया, कुछ चेंजेस किए। NIF की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें हमने क्या किया, चेंज किया। तो वो चेंज किस तरह से किया वो अब हमें पढ़ना है। मतलब अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ NIF। सुनो ध्यान से, इसने बोला नवंबर 2009 में गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस किए क्योंकि स्लो डाउन आ रहा था, उससे रिकवर करने के लिए थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े। इन्होंने क्या बोला कि ऐसा है कि आप 51% शेयर को सब्सक्राइब कर लो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर कर लो CPSE के द्वारा, प्रमोटर्स के द्वारा, और अगर आप रिकैपिटलाइजेशन कर लो। अच्छा आगे चल के ना मैं आपको जब बैंकिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 12, तो उसके अंदर आपको एक इंद्रधनुष प्लान करवाऊंगा, ठीक है, जिसमें A2G प्लान भी बोला जाता है, ABCDEFGHIJ। तो क्या होता है, A से G तक होता है, A2G प्लान बोलते हैं उसको, और इसी को इंद्रधनुष प्लान भी बोलते हैं। तो उसमें जो C होता है, कैपिटलाइजेशन, कि जो पैसा हमने डिसइन्वेस्ट किया है उससे जो पैसा आएगा वो हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, वो ये वाली बात बोल रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा जो हमारे पास पैसा है हम उसको इन्वेस्ट करेंगे रीजनल रूरल बैंक्स बनाने में, नाबार्ड बनाने में, नेशनल बैंक फॉर, अच्छा इसके फुल फॉर्म आप लोग बताएं, ठीक है, एग्जिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बनाएंगे हम, मेट्रो प्रोजेक्ट में उस पैसे को लगाएंगे हम, भारत नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में पैसा लगाएंगे, रेलवे की रिहैबिलिटेशन में पैसा लगाएंगे। मतलब कुल मिला के आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको ये पढ़ना था कि भाई ये बताओ कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, डिसइन्वेस्टमेंट के टाइप क्या होते हैं, आजकल कौन सी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी चल रही है, कौन इसको मैनेज कर रहा है, और इस पैसे को हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। चलो अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई है, अब इसको एक बार बुक से, मैं रीड नहीं करवा रहा भाई, इतना सब कुछ करवा दिया ना, अब बुक से आप खुद पढ़ोगे, ठीक है, मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ बुक में आपको क्या क्या चीज़ें आउटलाइन करनी है, ठीक है। वैसे ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि PSUs क्या होते हैं, 1981 में 2.4 लाख करोड़ था, याद आ रहा है, फिर ये 16,41,000 करोड़ हो गया था, डिसइन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, क्लियर हो, ये करा चुका हूँ ये सारी चीज़ें। इसके बाद टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्ट, अच्छा ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मैंने आपको बताया ना डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। डिसइन्वेस्टमेंट टाइप क्या होता है, टोकन डिसइन्वेस्टमेंट, इसके अंदर क्या होता है, PSUs 49% से भी कम का माइनॉरिटी क्या करती है, बेचती है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन रियलिटी के अंदर 5-10% ही बेचा जाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बताया था, स्ट्रेटेजिक में दो चीज़ होती है, स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक में 51% से ज़्यादा बेच दिया जाता है, नॉन स्ट्रेटेजिक में 26% से कम बेचा जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ होगी। बाकी ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि कौन कौन सी PSUs को बेचा गया और करंट पॉलिसी हमारी क्या चल रही है, आइडियोलॉजी वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने आपको वैसे ही करा दी। ये देखो दीपम के बारे में दे रखा है, मैंने अभी आपको दीपम के बारे में बताया था। इसके बाद फिर आपको ये बताया था कि 57 PSUs हैं जिनको बेचना प्रोग्राम चल रहा है 13,00,000 करोड़ रुपए में, याद है, अभी ये सारी चीज़ें बताई थी। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि वो दीपम जो है उसमें कुछ चेंजेस वगैरह किए गए, क्यों किए गए, ताकि वो अपने पैसों को सही से एस्केलेट कर पाए, लिवरेज कर पाए एसेट्स का, इन्वेस्टर्स का हम क्या जान सकें, उसका कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें, कैपिटल मार्केट में हम अपना इतना बोलवाला कर लेंगे, सारी चीज़ आपको पढ़ाई हुई है। इसके बाद फिर आपको बताया था कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है किस तरह से हम चेंजेस लाते हैं, तो ये सारे पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। आपको ये भी बताया था ना कि इसमें प्रोफेशनली लोग होते हैं जो मिलकर काम कर रहे होते हैं, 75% हम अपनी इनकम का किस में खर्च करेंगे, सोशल सेक्टर में करेंगे, 25% जो पैसा है उसको हम किस में करेंगे, जो हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, याद आ रहा है, ये भी जस्ट आपको पढ़ाया था, ठीक है, बस यही सारी चीज़ें हैं। और ये देखो ये सब भी आपको मैंने अभी बताया था, रिकैपिटलाइजेशन, इंद्रधनुष प्लान वगैरह बताया था, RRB खुलेंगे, नाबार्ड खुलेंगे, नोट्स इसी में से तो बनाए हैं, ठीक है, तो आपको क्लियर होंगी चीज़ें। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक था दैट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। आई होप कि अब आपको समझ आया होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। जाने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि डिसइन्वेस्टमेंट का एक और बार सुन लो, मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है अगर गवर्नमेंट उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच दे, इस कंसेप्ट को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर हो। चलो अब आपको ये नोट्स जो है ना हमारे हैंड रिटन नोट्स, अगर आपको ये लेने हैं तो आप प्लीज़ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भी जुड़ सकते हो, आप फेसबुक आईडी पर भी जुड़ सकते हो, सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और साथ के साथ आपको करंट अफेयर पढ़ने बहुत ज़रूरी है, और करंट अफेयर्स के लिए हमने इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना शुरू कर दिया है, ठीक है, तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो, 15 मिनट का होता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है, जिससे आपके करंट अफेयर जो है वो अच्छे हो जाएंगे। तो मैं सभी से रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो जरूर देखा करो, और दूसरा चैनल हमारा इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स, उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन दोनों प्रेस कर लो, जिससे कोई भी वीडियो मिले तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।